हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो का कैमरा ट्यूटोरियल के बारे में। अगर आपने अभी तक इंताज टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं प्रेस किया है, बेल बटन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो कर लीजिए। टेक्नोलॉजी से जुड़ी अच्छे अच्छे वीडियोज सबसे पहले यूट्यूब पर पाने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं चलता हूँ इन्फिनिक्स हॉट 7 का जो कैमरा है उसमें ओपन करती हूँ। तो क्लिक करते ही ओपन हो गया कैमरा की पूरे स्क्रीन। आप देख लीजिए, ऊपर चार ऑप्शन है और मिडिल में कुछ लिखा है कैमरा के नीचे, वीडियो, एआई कैम शॉट, ब्यूटी, बोके, और आगे एआर शॉट लिखा है, साथ आपको दिख जाएगा बाद में। और नीचे इमेजेस है कुछ, और यहाँ पे शटर, मिडिल में एक शटर प्रेस करने के शटर बटन दी गई है, और उसके बाद दी गई है गूगल का लेंस यूज़ करने के लिए, और उसके बाद दी गई है एकदम राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन करने की। तो ऊपर से मैं स्टार्ट करती हूँ। ऊपर देखिए, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दी गई है। सेटिंग पर चार ऑप्शन है, शटर साउंड, ग्रिड, टच कैप्चर, वाटरमार्क। चारों के बारे में अच्छे तरह से बात कर लूँगा। और नीचे की तरफ चार ऑप्शन दी गई है, पिक्चर साइज, डिले कैप्चर, लोकेशन, कस्टम वॉल्यूम कीज, और नीचे रिस्टोर डिफॉल्ट्स, उसके बाद ग्रिड, उसके बाद टच कैप्चर, उसके बाद वाटरमार्क। मैं साउंड को ऑन रखती हूँ और ग्रिड को दिखाती हूँ। साउंड ऑन रखेंगे तो आप लोगों को इमेजेस कैप्चर करते वक्त तो शटर साउंड है, आप सुन पाएंगे। अगर ग्रिड को ऑन करेंगे तो फोटोग्राफी करने के लिए, मोबाइल पे फोटोग्राफी करने के लिए आप लोगों को रूल ऑफ थर्ड की एक ग्रिड दिख जाएगी, जहाँ से आप लोग इमेजेस कैप्चर करोगे तो बहुत अच्छे कंपोजिशन में आप लोगों को इमेज मिल जाएगी। उसके बाद टच कैप्चर ऑन करोगे, और मैं ग्रिड को ऑफ कर देती हूँ। टच कैप्चर ऑन करोगे तो यहाँ पे एक टच करते ही एक इमेज कैप्चर हो जाएगी। फोकस करेगी, उसके बाद कैप्चर हो जाएगी। तो फिर से मैं जाती हूँ, टच कैप्चर को बंद करती हूँ। वाटरमार्क ऑन करोगे तो ऐसा एक पहले वाला इमेज को मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये इमेजेस बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाला यहाँ पर साइड में कुछ भी नहीं है। और मैं बैक करके फिर से दिखाती हूँ, वही वाला पिक्चर खींच के सेटिंग में फिर से जाते हैं, और वाटरमार्क ऑन कर दिया मैंने तो इमेजेस कैप्चर करती हूँ। देखिए, तो इमेज कैप्चर हो गया। इस इमेज में देखिए, यहाँ पर लिखा है शॉट ऑन हॉट 7 एआई क्वाड लेंस। इसमें जो लेंस यूज़ करके है कैमरा में इन्फिनिक्स की तरफ से एआई क्वाड लेंस, उसका नाम दिखा रहा है, और हॉट 7 का नाम दिखा रहा है। और पहले वाला इमेज को आप देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप लोग वाटरमार्क ऑन करोगे तो ऐसा आप लोगों को दिखाएगा कौन सी लेंस यूज़ की गई है और कौन सी मोबाइल से पिक्चर क्लिक की गई है। और उसके बाद नीचे की तरफ, और उसके थोड़ा सा नीचे जाते हैं, पिक्चर साइज में अलग अलग रेशियो में आप लोगों को मिल जाएगा। 4:3 में दो मिल जाएगा आप लोगों को, एक 13 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का, दो ही 4:3 रेशियो में है, और एक 1:1 रेशियो में है, नीचे भी एक 1:1 रेशियो में है, ये भी दो मिल जाएगा, एक 10 मेगापिक्सल का और एक 6 मेगापिक्सल का। उसके बाद एक 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे फुल स्क्रीन इमेज कैप्चर का ऑप्शन दी गई है। मैं यहाँ पे रखती हूँ फुल स्टैंडर्ड मोड पे 13 मेगापिक्सल का। और उसके बाद दी गई है डिले कैप्चर में आप देखेंगे तो ऑफ, मैंने ऑफ करके ही रखा है। उसके बाद 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड करोगे तो आप लोग 3 सेकंड बाद ही, एक क्लिक करने के बाद 3 सेकंड बाद ही कैमरा पिक्चर को क्लिक करेगा, कैप्चर करेगा। यहाँ पे आप लोग 5 सेकंड करोगे तो क्लिक करने के बाद 5 सेकंड बाद ही कैमरा इमेज को कैप्चर करेगा, ऐसे ही 10 सेकंड बाद करेगा। और लोकेशन ऑन करोगे तो लोकेशन भी एक इमेज में जब सर्च की गई है, वो इसके बारे में एक बड़ा टॉपिक है। अगर मुझे आप लोग चाहो तो कमेंट करके लिख दो कि इसके बारे में वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूँगी तो 10-15 मिनट का वीडियो बन जाएगा लोकेशन के बारे में, कैमरा लोकेशन के बारे में। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों। और उसके बाद लगेगा कस्टम वॉल्यूम कीज, आपके जो मोबाइल में वॉल्यूम कीज दी है अप और डाउन करने की जो वॉल्यूम कीज दी गई है, इसे आप जूम की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर जूम में आप लोग रखोगे तो वॉल्यूम कीज दबाते ही इमेज जूम होगा, अगर आप लोग शटर रखोगे तो वॉल्यूम की ऑफ या डाउन कोई भी दबाओगे तो इमेजेस कैप्चर हो जाएगा। तो उसके बाद एकदम नीचे मिलता है रिस्टोर डिफॉल्ट्स, यहाँ पर मारोगे तो सेटिंग जो आप लोगों ने पहले जिस तरह से सेटिंग थी वैसा हो जाएगा। और उसके बाद दिखा है फ्लैश के बारे में, फ्लैश मैंने ऑफ करके रखा है और ये ऑन करोगे तो रात हो या दिन आप लोग इमेज शटर प्रेस करते ही पिक्चर क्लिक कैप्चर करते वक्त तो कैमरा फ्लैश ऑन कर देगा। और ये ऑटो का ऑप्शन दी गई है, ऑटो लाइट में कैप्चर करते वक्त फ्लैश ऑन नहीं होगा और अंधेरे में कैप्चर करते वक्त फ्लैश ऑन हो जाएगा। उसके बाद फ्लैश, यहाँ पर एक बल्ब की ऑप्शन दी गई है, कैप्चर करो या ना करो हमेशा ये फ्लैश जलता ही रहेगा कैमरा ऑन होते ही।
मैं फ्लैश को ऑटो मोड में रख देते हूँ। उसके बाद HDR मोड, HDR यहाँ पे एक दी गई है, HDR ऑफ पहले, उसके बाद HDR मिडिल में ऑन, उसके बाद HDR ऑटो। यह है हाई डायनामिक रेंज। आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, बड़ा टॉपिक है हाई डायनामिक रेंज के बारे में, और बहुत सारे अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगे एक ही HDR के बारे में। हाई डायनामिक रेंज इसे कहते हैं, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक थोड़ा सा आप लोगों को सिंपल बता दूँ कि जब भी हम कोई गार्डन का इमेज कैप्चर करते हैं, पेड़ पौधा आसमान ज़मीन रहता है, तो आसमान में वाइट कलर होता है, वहाँ पे ज़्यादा लाइट होता है, नीचे कम लाइट होता है। अगर आसमान को आप लोगों को क्लिक करोगे तो पेड़ पौधा जो है अंधेरा हो जाएगा, पेड़ पौधा को आप लोग फोकस करोगे तो आसमान पूरा ज़्यादा ब्राइट ओवर एक्सपोज हो जाएगा। उसे कंट्रोल करने के लिए HDR यूज़ किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल बता दिया, बाकी आप लोग ठीक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिलता है फुल स्क्रीन का, और इसके बाद मिलता है स्टैंडर्ड मोड, उसके बाद 1:1 रेशियो। तो नीचे की तरफ आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, एक वीडियो का और AI कैम शॉट। AI कैम शॉट रखना चाहिए, कैमरा ऑटोमेटिकली बहुत कुछ करता है, कर लेती है, या उसे हमेशा ऑन रखना चाहिए। और एक ब्यूटी मोड, ब्यूटी मोड का भी एक ऑप्शन दी गई है, आप कितना ज़्यादा ब्यूटी चाहते हो, 1 से 6 तक है। और बोके मोड, बोके मोड में एपर्चर के ऑप्शन भी आप चेंज कर सको, एपर्चर 1 से लेकर एपर्चर 16 तक जाती है। ज़्यादा रखने एपर्चर का जो नंबर है कम रखने पर ज़्यादा ब्लर करेगी बैकग्राउंड में, लेकिन मैं कहूँगी एपर्चर 2 से नीचे ना रखें, क्योंकि कैमरा में, मोबाइल का कैमरा में जो एपर्चर है वो एक्चुअल में स्मार्ट जो DSLR है उसके जैसा नहीं होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बोके मोड 2 एपर्चर ही रखें। और AR शॉट में बहुत फनी फनी आप लोगों को चीज़ें मिल जाएगी, कि ह्यूमन की फेस को इमेज करते वक्त फनी बनाने के लिए क्रिकेट वाला, इंडियन वाला बहुत सारे हैं हमारे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दी गई है, जैसे यहाँ पे पंजाबी कुछ दी गई है, इंडियन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दी गई है, ऐसे देखोगे आप लोग बहुत कुछ दी गई। और इसे हम बैक करते हैं, AI कैम शॉट में जाते हैं, तो इमेजेस में आप लोग ब्राइटनेस एडजस्टमेंट कर सकते हो, एकदम डाउन है, धीरे धीरे आप हो रहा है, बहुत लो लाइट में बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वीडियो में हम जाते हैं, वीडियो की सेटिंग देखते हैं। वीडियो में भी यहाँ पे सेटिंग दी गई है, यहाँ पे फुल HD मोड, HD और VGA। फुल HD यानी कि 1080 पिक्सल का वीडियो, और HD मोड यानी कि 720 पिक्सल के वीडियो, और VGA यानी कि 480 पिक्सल का वीडियो आप लोग कैप्चर कर सकते हो। वीडियो में भी लोकेशन ऑन कर सकते हो, ये भी से कैमरा वाला जो लोकेशन का बात पता है, सेम कंडीशन है। और कस्टम वॉल्यूम कीज में जूम और शटर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी एज ए शटर यूज़ कर सकते हो, एज ए जूम यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम कीज़ को। यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट का भी ऑप्शन दी गई है, और यहाँ पे फ्लैश का भी ऑप्शन दी गई है। सेम इसी तरह से फ्लैश ऑल टाइम ऑन वीडियो कैप्चर करते वक्त ऑन हो जाएगी ऑटो में। और यहाँ पे बल्ब की ऑप्शन दी गई है, कैप्चर करो या ना करो ये जलती रहेगी। और यहाँ पे ऑफ, और यहाँ पे वीडियो क्वालिटी जो सेटिंग में दी गई थी, फुल HD, HD और VGA यही दे गया है, 1080, 720 और 480। और यहाँ पे इमेजेस देखने का ऑप्शन है, ये वाला, इससे खींच क्लिक किए गए इमेजेस आप लोग देख सकते हो। हाँ, और इमेजेस नहीं है, HDR मोड ऑफ की गई थी, इसलिए आप लोग इमेजेस को ग्रेट पेड़ को देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो स्काई है एक ओवर एक्सपोज्ड है। और शटर बटन, और यहाँ पे गूगल कैन नॉट कनेक्ट, गूगल लेंस का यूज़ कर सकते हो। और यह फ्रंट कैमरा के एकदम नीचे राइट कॉर्नर में फ्रंट कैमरा यूज़ करने का ऑप्शन दी गई है। वीडियो पूरा आप लोगों ने देख लिया तो वीडियो को लाइक कमेंट करके ही जाइए, क्योंकि नया यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब वाले हमारे वीडियो को एकदम प्रमोट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, हमें 6-7 महीना 1 साल तक हमें बेकार मतलब मेहनत करते हैं यूट्यूब वाले, हमारे वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं करती है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट कर दोगे और इस वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा और लोगों तक पहुंचाएगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप जो कोई भी देखना चाहता है इंस्टेंट कैमरा ट्यूटोरियल, अगर नहीं देखना चाहती है शेयर मत कीजिए, और इसको लाइक कमेंट कर दीजिए।